नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तरीके का नाश्ता बनाने जा रहे हैं और ये हिमाचल की ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे हिमाचल में नाश्ते के रूप में खाया जाता है। इसके लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे ड्राई यीस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें डालेंगे घी, थोड़ी सी चीनी। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडे पानी से नहीं गूंदा जाता, इसको थोड़ा गर्म पानी से ही गूंदा जाता है। तो ये देखिए, इसका हमने डो लगा लिया है। पराठे बनाते हैं जैसे, उतना ही सॉफ्ट बनाना है इसे। और इसको अब हम ढक्कन लगाकर इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जिससे आटा हमारा फूल सके। सिड्डू बनाने के लिए हमें दूसरी चीज चाहिएगी, ये उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है 1 कटोरी, और इसे हमने 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दी थी और इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इसे दरदरा पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। इसमें हम डालेंगे मसाले, थोड़ी हींग, अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला। इसे जितना आप चटपटा बनाना चाहो या सिंपल रखना चाहो वैसे ही बना लीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें डालेंगे धनिया पत्ते, ग्रेटेड अदरक और हरी मिर्च के कुछ पीस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे इसमें। ये सिड्डू जो है 2 तरीके से बनते हैं। बनता तो उड़द की दाल से ही है, वैसे सब्जियां डाल के भी या मर्जी जैसे बना सकते हो कुछ भी स्टफिंग करके, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो उड़द की दाल से ही बनते हैं। और दूसरे जो मीठे बनते हैं वो ड्राई फ्रूट से बनते हैं, उनकी रेसिपी भी मैं डाल दूंगी। लेकिन अभी आज हम नमकीन वाले सिड्डू बना रहे हैं। तो दाल हमारी मिक्स हो गई है, तो आटे को देख लेते हैं। डो हमारा फूल गया है। अब हाथ पर थोड़ा घी या तेल लगाएंगे और उसको एकदम स्मूथ बना लेंगे। डो हमारा स्मूथ बन गया है। इसके 4 पार्ट कर लेंगे। ये थोड़ा मोटा मोटा ही होता है। वैसे तो इसको इसी तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर घी लगाकर और इसको इस तरह से बनाया जाता है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम इसके बीच में यहाँ भर देंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम गुजिया का बनाते हैं इसी तरह से इसको भी चिपका देंगे इसी तरीके से। तो ये हमारा सिड्डू तैयार है। इसी तरह से हम इसे बेलकर भी बना सकते हैं। इसे गोल ना बनाकर थोड़ा लंबाई में बनाया जाता है। देखिए, इस तरह से हमने बेल लिया है और इसमें हम अब पिट्ठी जो बनाई थी हमने इसमें भर देंगे और इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करके चिपका देंगे। इसको भी हम गुजिया की तरह थोड़ा सा मोड़ मोड़ के डिजाइन बना देंगे। इसी तरह से हमने सिड्डू बना लेने हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। गैस पर हमने स्टीम के लिए छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हम 2-2.5 कटोरी पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर उबाल लेंगे। ये हमारे पास जाली की प्लेट है। आपके पास जो भी हो जाली वाला बर्तन स्टीम करने के लिए, उस पर हम चिकनाई लगा देते हैं अच्छे से। और इस पर अब हम सिड्डू को सेट कर देंगे।
पानी हमारा उबलने लगा है और इस पर अब हम ये प्लेट रख देंगे जाली वाली। देखते हैं हमारे सिड्डू पक चुके होंगे अब तक। ये देखिए अच्छे से फूल भी गए हैं और हमारे सिड्डू बनकर तैयार हैं। अब इनको हम निकाल देते हैं, ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारा सिड्डू एकदम बनकर रेडी है। अब इस पर हम थोड़ा घी लगा लेंगे जिससे ये सूखे ना, और इनको खाया भी घी के साथ ही जाता है। पारंपरिक तो इन्हें घी के साथ ही खाया जाता है। वैसे आप हरी चटनी, लाल चटनी, सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा मिर्ची बुरक देंगे जो देखने में भी अच्छा लगेगा। हमारे सिड्डू बनके तैयार हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये घी और ये चटनी लाल वाली, और जो कि शेजवान चटनी है, और ये घी, इसी के साथ इनको खाया जाता है। इस तरह से डिप करके और इनको खाया जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।